हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? सो आज है मेरे पास बोल्ट ऑडियो सोल पोर्ट्स एक्टिव और कमाल का TWS है। इसमें आपको बहुत सारे फीचर देखने को मिल रहा है और आज ही हम लोग इसके बारे में बात करेंगे कि क्या ये वैल्यू फॉर मनी है, क्योंकि इसका प्राइस है 2500 रुपीज, जो कि अकॉर्डिंग टू मी थोड़ा महंगा है, क्योंकि अभी 1500 में इतने कमाल के TWS आपको देखने को मिल रहा है, उसके अकॉर्डिंग ये प्राइस देखा जाए तो थोड़ा ज्यादा लगता है। और अगर ऑन पेपर फीचर्स के बारे में बात करें तो इसका सबसे बड़ा एडवांस फीचर्स ये है कि इसमें आपको ANC मोड, एम्ब्रेन मोड और नॉर्मल मोड का फीचर देखने को मिल रहा है। 5.0 ब्लूटूथ आपको यहाँ देखने को मिल रहा है AAC ब्लूटूथ कोड के साथ, जिस वजह से कनेक्टिविटी में कोई लोचा आपको यहाँ देखने को नहीं मिल रहा है। और AAC के होने की वजह से साउंड एक्सपीरियंस भी बहुत कमाल का आपको इसमें देखने को मिलेगा। और इसके माइक की क्लैरिटी के लिए इसमें आपको ENC नॉइस कैंसलेशन देखने को मिल रहा है। सो दोस्तों, आप कंफ्यूज मत हो, ENC नॉइस कैंसलेशन माइक के लिए है, ANC नॉइस कैंसलेशन बर्ड्स के लिए है। और इसमें आपको 25 आवर्स का म्यूजिक प्लेबैक देखने को मिल रहा है और IPX5 का वाटर रेटिंग भी आपको इसमें देखने को मिल जाएगा, जिसपे हम लोग 30 सेकंड्स वाटर टेस्ट करके देखेंगे सर्वाइव करता है या डेड हो जाता है। और इसमें आपको क्विक पेयरिंग का फीचर देखने को मिल रहा है, जिसके हेल्प से जैसे ही आप केस को खोलोगे ये आपके फोन के साथ पेयर अप हो जाएगा, आपको बर्ड्स निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और 10mm का डाइवर भी आपको इसमें देखने को मिल रहा है फॉर बेटर बेस। सो अगर आपको ये प्रोडक्ट पसंद आए तो इसका अमेजॉन लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, आप डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन से परचेज कर सकते। एंड दोस्तों, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब कर दो यार, भाई के चैनल को ग्रो करने में हेल्प कर दो। तो चलिए देखते हैं इसका अनबॉक्सिंग। सो ये है बोल्ट ऑडियो का बॉक्स, ऊपर का प्लास्टिक हटा लेते हैं। सो यहाँ पर आपको बोल्ट ऑडियो का ब्रांडिंग देखने को मिल रहा है और नीचे के साइड सोल पोर्ट्स को इन्होंने हाईलाइट कर रखा है। बॉक्स के ऊपर आपको विकी कौशल का फोटो देखने को मिल रहा है, जो कि इनके ब्रांड एम्बेसिडर है। और बॉक्स के तीनों साइड इन्होंने ब्रांडिंग को हाईलाइट कर रखा है। और चौथे साइड अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको थोड़े स्पेसिफिकेशन देखने को मिल रहा है, जिसके बारे में मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। और अगर आप बॉक्स के पीछे के साइड देखोगे तब भी आपको थोड़ा स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। और अगर आप थोड़े नीचे देखोगे तो यहाँ पर इन्होंने अपने एड्रेस को प्रिंट कर रखा है और आप इसका MRP प्राइस देख सकते तो 9,999 रुपीज 10,000। हद कर दिए ब्रो, कुछ भी छाप देते हैं मतलब। और आपको ये प्रोडक्ट अमेजोन पे मिल जाएगा सिर्फ 2,500 रुपीज का। ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर भी आप यहाँ पे प्रिंटेड देख सकते हो और कस्टमर केयर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा, जैसे फोन नंबर, जीमेल एड्रेस। कोई इशू होने से आप इन्हें कॉन्टेक्ट कर सकते हो। सो बोल्ट का अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस काफी बढ़िया लगा मुझे, जो जहाँ होना चाहिए वहीं पर ही स्टेबल है, कुछ भी बिखरा पड़ा नहीं है। सो ये सारी चीजें मुझे बॉक्स में देखने को मिला। ये है बोल्ट ऑडियो का वारंटी कार्ड, इस बारकोड को स्कैन करके आपको वारंटी रजिस्टर करना है। और यह है बोल्ट ऑडियो यूजर मैनुअल, इसके अंदर आपको कुछ भी इन्फो देखने को नहीं मिल रहा है, एकदम फालतू यूजर मैनुअल है। अमेजोन में इससे ज्यादा इन्फो इन्होंने प्रोवाइड किया है। और यह है टाइप सी चार्जिंग केबल, दो जोड़ी 8 टिप्स आपको इसके साथ देखने को मिल जाएगा डिफरेंट साइज के। सो अभी इन चीजों को साइड रखते हैं और एक क्लोज लुक डालते हैं केस की तरफ। सो जैसे कि आप देख सकते हो, केस का लुक काफी अच्छा है, मैट ब्लैक कलर का फिनिश आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत मस्त लगता है। और केस के ऊपर आपको बोल्ट ऑडियो का ब्रांडिंग देखने को मिल रहा है, जो कि काफी बेहतरीन लगता है देखने में। केस काफी सही है, बहुत प्रीमियम लगता है। और केस के साइड में आपको एक टाइप सी चार्जिंग पोर्ट देखने को मिल जाएगा और केस के आगे के साइड आपको चार्जिंग नोटिफिकेशन LED देखने को मिल रहा है, बैटरी परसेंटेज इंडिकेट नहीं करता ये। और यहाँ पर आपको मैग्नेटिक कैप देखने को मिल रहा है, आप देख सकते हो। और इस केस की खास बात ये है कि जब आप इसके कैप को बंद करोगे ठप ठप जैसा आवाज नहीं आता, काफी ज्यादा सॉफ्ट तरीके से इसका केस बंद होता है, जो कि रिप्रेजेंट करता है कि ये एक प्रीमियम प्रोडक्ट है। और जैसे आप केस को खोलोगे तो यहाँ पर आपको बोल्ट का ईयरबड्स देखने को मिल रहा है, जो कि वाओ कमाल लग रहा है देखने में, एक रिच लुक ये आपको रिप्रेजेंट करेगा। केस खोलते ही जो इन्होंने रिप्रेजेंट किया है ना, काफी इम्प्रेसिव है ये देखने में। और केस के बीच में जो आप ब्लैक डॉट देख रहे हो, ये है इसका रीसेट बटन। सो केस का बिल्ड क्वालिटी बहुत सही है, कमाल लगता है देखने में और डिटेलिंग भी बहुत प्रीमियम है। और अभी आप बर्ड्स का लुक देख सकते हो, बर्ड्स का लुक बहुत अच्छा है, एक प्रीमियम लुक आपको रिप्रेजेंट करेगा। इसके ऊपर आपको बोल्ट का ब्रांडिंग देखने को मिल रहा है, लुक्स में बहुत सही है, थोड़ा लंबा है इसका डंडा लेकिन लुक्स में बहुत सही है। मैट ब्लैक कलर का फिनिश आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत प्रीमियम लगता है। और ऊपर के साइड आप देख सकते हो, बड़ा सा होल इन्होंने प्रोवाइड कर रखा है, जो कि इसके ANC नॉइस कैंसलेशन को ऑफ ऑन करने के लिए है। टेंशन का कोई बात नहीं है, पानी यहाँ से नहीं घुसेगा, मैं वाटर टेस्ट करके दिखा दूंगा आपको। सो अभी मैं आपको बोल्ट ऑडियो सोल पोर्ट्स का फंक्शन बताना चाहूंगा। सो इसके डबल टैप से आप सॉन्ग को प्ले या पॉज कर सकते हो, या आप कॉल पिक कर सकते हो कॉल एंड करने के लिए, और कॉल रिजेक्ट करने के लिए आपको 1 सेकंड टच एंड
होल्ड करना पड़ेगा दोनों में से किसी भी बर्ड्स पे। वॉइस असिस्ट ऑन करने के लिए आपको राइट बर्ड्स पे ट्रिपल टैप करना है। एएनसी मोड, एम्बिएंट मोड और नॉर्मल मोड को स्विच करने के लिए आपको लेफ्ट बर्ड्स पे ट्रिपल टैप करना पड़ेगा। नेक्स्ट सॉन्ग के लिए आपको राइट बर्ड्स में 3 सेकंड टच एंड होल्ड करना पड़ेगा। प्रीवियस सॉन्ग के लिए आपको लेफ्ट बर्ड्स पे 3 सेकंड टच एंड होल्ड करना पड़ेगा। वॉल्यूम अप डाउन का फीचर्स आपको बर्ड्स में देखने को नहीं मिल रहा है, आपको अपना डिवाइस इस्तेमाल करना है। और अभी आप केस का वेट देख सकते हो, ओनली 58 ग्राम और इसके बर्ड्स का वेट है ओनली 5 ग्राम ईच। सो दोस्तों, आपने इसका अनबॉक्सिंग तो देखा है, अभी आप लुक में देख सकते हो, लुक्स में काफी ज्यादा कूल लगता है ये, लुक्स में बहुत प्रीमियम है और जब आप इसे कानों में पहनोगे तो बहुत मस्त लगता है देखने में। बस इसका जो ये डंडा है, डंडा थोड़ा बड़ा है, सो ये चीज मुझे पसंद नहीं आया। और आप इसे पहन के उछलो, कूदो, जिम करो, कुछ भी करो, आपके कानों से गिरेगा नहीं, काफी सही तरीके से और परफेक्ट तरीके से आपके कानों में ये फिट बैठता है। और इसका कंफर्ट भी बहुत सही है, पूरा दिन भी इसका इस्तेमाल करोगे ना तब भी आपके कानों में पेन महसूस नहीं होगा। और अगर इसके साउंड एक्सपीरियंस के बारे में बात करें तो साउंड एक्सपीरियंस काफी अच्छा, इसका वोकल्स काफी ज्यादा क्लियर एंड लाउड है और 100% वॉल्यूम में भी इसका वोकल्स फटता नहीं है। और अगर इसके ट्रिबल छनकार के बारे में बात करें तो इसका ट्रिबल छनकार भी काफी अच्छा है, कानों में ऐसा सॉफ्ट सा छनछन सा मारता है ना, तो सुनने में काफी ज्यादा मजा आता है। और अगर बेस के बारे में बात करें तो बेस बहुत ही ज्यादा हाई पावर बेस आपको इसमें सुनने को मिल रहा है, सरकी पर ऐसा बूम बूम सा बजने लगता है। सो अगर आप बेस के दीवाने हो तो आप इसे बेझिझक खरीद सकते हो। और इसका एक डिसएडवांटेज भी है कि हाई बेस की वजह से 80% वॉल्यूम के बाद बहुत ज्यादा डिस्टॉर्टेड आवाज आपको इसमें सुनने को मिल रहा है, वोकल्स भी खराब हो जाता है, ट्रिबल भी खराब हो जाता है, इतना हाई बेस होता है ना कि मतलब सॉन्ग ठीक से सुनाई नहीं देता अगर आप हैवी म्यूजिक वाले सॉन्ग सुनते हो तो। अगर आप मूवी सीरीज या फिर कॉल में इसका इस्तेमाल करोगे 100% वॉल्यूम में तब आपको डिस्टॉर्टेड साउंड महसूस नहीं होगा। और इसका वोकल्स म्यूजिक के कंपैरिजन में 10% कम है। सो अगर आपको हाई म्यूजिक पसंद है, वोकल्स थोड़ा कम कम चाहिए तो आप इसे खरीद सकते हो, क्योंकि इसमें वोकल्स थोड़ा सा 10% धीरे सुनाई देता है कंपेयर टू म्यूजिक एंड बेस, बोले तो ट्रिबल एंड बेस। इसके केस में कितना बैटरी है, इसके बर्ड्स में कितना बैटरी है, इन्होंने कुछ भी शेयर नहीं किया। सो इसके वेट और बैटरी बैकअप के अकॉर्डिंग मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इसके केस में आपको 300 mAh का बैटरी देखने को मिलेगा, जिसके हेल्प से आप इसके बर्ड्स को सिर्फ 2 बार ही फुली चार्ज कर पाओगे। और इसके बर्ड्स का बैटरी बैकअप है 4 hours ANC ऑन करने पर और विदाउट ऑन करने पर 5 hours। इसके बर्ड्स का चार्जिंग टाइम है 60 मिनट और इसके केस का चार्जिंग टाइम है 90 मिनट 5 volt 2 ampere चार्जर से, बोले तो 10 watt चार्जर से। और इसमें आपको ANC और एम्ब्रेन का फीचर देखने को मिल रहा है। सो एम्ब्रेन मोड ऑन करने पर बाहर क्या चल रहा है नहीं चल रहा है आपको एकदम क्लियर सुनाई देगा और बाहर की आवाज को हल्का सा 10% ये मॉडिफाइड कर देता है, जिस वजह से थोड़ा लाउड सुनाई देता है। इसीलिए इसका ट्रांसपेरेंसी मोड बाकी सबके कंपैरिजन में थोड़ा बेटर है। और जैसे ही आप ANC मोड ऑन कर दोगे तो बाहर क्या चल रहा है नहीं चल रहा है पूरा एकदम सन्नाटा हो जाता है, एकदम शांत। और जब आप नॉर्मल मोड ऑन करोगे तब बाहर का आवाज हल्का हल्का कानों में जाता है। और एम्ब्रेन मोड की वजह से आप मूवीज भी देख सकते हो फोन में और साथ में अपने फैमिली मेंबर्स के साथ कम्युनिकेट भी कर सकते हो। सो आप दोनों साइड कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो, फोन के मूवीज में भी और बाहर के कम्युनिकेशन में भी। सो इसलिए मुझे ये वाला फीचर्स काफी ज्यादा बढ़िया लगा। सो अगर आपको ये फीचर्स चाहिए तब तो ये वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है, आप इसे बेझिझक खरीद सकते हो। सो चलिए अभी इस पे एक लो लेटेंसी टेस्ट कर लेते हैं। सो जैसे कि आपने देखा कि इसका लो लेटेंसी बहुत बर्बाद है। सो आप इसमें गेमिंग तो जरा सा भी नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप कॉलिंग के टाइम और मूवी सीरीज में इसका इस्तेमाल करोगे तब आपको साउंड का डिले महसूस नहीं होगा। सो अगर गेम आपका प्रायोरिटी नहीं है तो आप इसे बेझिझक खरीद सकते हो। सो दोस्तों, आप देख सकते हो सोलपॉड्स है मेरे फोन के साथ कनेक्ट और अभी आप सुन सकते हो कि कैसा है इसका साउंड परफॉर्मेंस, कैसा ये आवाज को पकड़ रहा है नहीं पकड़ रहा और कितने लाउड तरीके से पकड़ रहा है। और इसका बर्ड्स काफी लंबा है, सो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि शायद ये थोड़ा लाउड तरीके से ही आवाज को पकड़ेगा। और अभी इस पे एक नॉइस कैंसलेशन टेस्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, अभी आप सुन सकते हो ये है मेरा हेड है, तो अभी आप सुन सकते हो नॉइस, अगर आपको मेरा आवाज क्लियर सुनाई दे रहा है तब तो आप इसे डिजिटल खरीद सकते हो। सवाल का साउंड एक्सपीरियंस आपको ये प्रोवाइड करेगा करेगा। सो दोस्तों, जैसे कि आपने सुना कि इसका माइक एक्सपीरियंस काफी अच्छा है, आवाज को बहुत ही ज्यादा लाउड तरीके से और क्लियर तरीके से पकड़ रहा है और इसका नॉइस कैंसलेशन भी ठीक ठीक ही है, बर्बाद नहीं बोल सकते। सो आप इसे बिंदास खरीद सकते हो, ये वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है, इसमें सारे फीचर सही तरीके से काम कर रहे हैं। सो चलिए अभी इस पे 30 सेकंड वाटर टेस्ट करके देख लेते हैं सर्वाइव करता है या डेड हो जाता है। आप देख सकते हो बोल्ट ऑडियो सोल पोर्ट्स है मेरे फोन के साथ कनेक्ट
और अभी हम लोग इस पे एक वाटर टेस्ट कर लेते हैं, सॉन्ग चला लेते हैं पहले, सॉन्ग चल रहा है। डिवाइस डिस्कनेक्ट हो गया। सो आप देख सकते हो 30 सेकंड्स कंप्लीट हो चुका है और डिवाइस मेरे फोन के साथ डिस्कनेक्ट हो चुका है। अब इसको ऑन करके देखते हैं। आप देख सकते हो ऑन होके मेरे फोन के साथ कनेक्ट हो गया ये, और अभी सॉन्ग चला के देखते हैं। तो जैसे कि आपने देखा कि बर्ड्स हो गया ऑफ, सो टेंशन का कोई बात नहीं है, 5 सेकंड टच एंड होल्ड से बर्ड्स हो जाता है ऑफ। सो इसने पानी को ऑब्जेक्ट समझ लिया कि मानो 5 सेकंड टच एंड होल्ड कर रहा है कोई। सो जैसे कि आपने देखा कि ये 30 सेकंड्स वाटर टेस्ट सर्वाइव कर लिया है। सो आप इसका इस्तेमाल बिंदास जिम में वर्कआउट के टाइम यूज कर सकते हो, लेकिन आपको स्विमिंग पूल में इसे पहन के यूज नहीं करना है, उतना ज्यादा वाटर रेजिस्टेंस नहीं है ये। सो थैंक यू दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, एंड फ्रेंड्स डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, सब्सक्राइब कर दो यार, भाई के चैनल को ग्रो करने में हेल्प कर दो। तो चलिए मिलता हूँ अगले वीडियो में।